तो गाइज हम फिर से निकल चुके हैं बहुत सुबह एकदम मॉर्निंग में रिपोर्टिंग करने के लिए, और बहुत दूर है लोकेशन, 4-5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। बहुत सुंदर लोकेशन भी है, वीडियो में दिखाऊंगी आगे कि कहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन आप जैसे कि मेरी हालत देख सकते हैं क्योंकि 2 दिन से इतनी सुबह उठ के जा रहे हैं, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही और रात को नींद आती नहीं, फ़ोन की लत लगी पड़ी है। तो स्थिति ऐसी है कि बस सब गाड़ी में बैठ गए इतने, क्योंकि हम स्कूटी से वहाँ से आते हैं, छपरा चला के ले आती है स्कूटी, मुझे तो आता नहीं, मैडम चलाती है स्कूटी, तो मैडम की स्कूटी पर बैठ के आते हैं और उसके बाद ऑफिस की गाड़ी में बैठ जाते हैं। और अब तो बस मैं सोऊंगी, मैंने मेकअप इसलिए नहीं किया कि 4-5 घंटे का रास्ता है, बीच रास्ते में मेकअप कर लूंगी, तो अब तो मैं बस सोऊंगी। इसी के साथ हम जब निकले, आप देख सकते हैं कि सवेरा हो चुका है पूरी तरीके से, और आप लोकेशन देख के समझ ही पा रहे होंगे कि हम कहाँ गए हैं। दरअसल हम ऋषिकेश गए हुए थे और वहाँ पर हमारा एक इंटरव्यू शेड्यूल था, तो हमने इंटरव्यू लिया, जो मेरा काम था एज अ रिपोर्टर मैंने किया। उसके बाद हम बहुत 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 सुंदर है, आप देख सकते हैं कि हम रिपोर्टिंग करने आए थे और उसके बाद हम यहाँ ऋषिकेश आए हुए थे, मोदी जी की रैली थी। और उसके बाद क्या नाम है यहाँ का? त्रिवेणी घाट जो है हम आए हुए हैं। त्रिवेणी घाट देखिए बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, 360 डिग्री देखिए आप। हमने कहा था आपको कि हम दिखाएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत सुंदर है, एक बार आपको ज़रूर 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 विजिट करना चाहिए। ज़्यादा नहीं है, नोएडा से 5 आवर डिस्टेंस है लगभग, और जैम था इसलिए 6 घंटे लग गए हमें, और दिल्ली से भी कुछ ऐसे ही पड़ेगा, फिर आप गुड़गांव साइड से आ सकते हो। देखो, और इसके बाद मैंने रील्स बनाया है क्योंकि रील्स बनाना तो ज़रूरी है, और यहाँ पर 3-4 ही रील्स बना पाई मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो ज़्यादा रील्स नहीं बना पाए। घाट का पानी था तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी छिड़क लिया, हमारे में कहते हैं छिड़कना चाहिए। उसके बाद किसी ने मुझे बताया कि कॉइन्स भी फेंकते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनवाई, और उसके बाद मैंने अपने लिए और अपने करीबियों के लिए प्रेयर की और कॉइन्स जो है पानी में उछाल दिया। ये वीडियो यहीं ख़त्म नहीं होगी, इसका नेक्स्ट पार्ट भी है क्योंकि मेरे कपड़े भीग गए थे और उसे मैंने चेंज किया था।